अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज के टॉपिक में हम सिंपल पेंडुलम को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ आइडियल पेंडुलम? बेटा, आइडियल पेंडुलम एक पॉइंट हेवी मास होता है जो एक वेटलेस और इनएक्सटेंडेबल स्प्रिंग के साथ हैंग कर रहा होता है। पॉइंट साइज का मास माना, पॉइंट साइज मतलब छोटी सी साइज का एक बाल, पर वो हेवी होना चाहिए और वो जिस तार के साथ लटका हुआ हो वो तार वेटलेस और ना बढ़ने वाली इनएक्सटेंडेबल स्ट्रिंग होनी चाहिए। जैसे कि आप इस तस्वीर में देख रहे हो, इसमें एक पॉइंट हेवी मास है जो एक तार के साथ लटक रहा है और ये तार जो है ये लाइट है, मासलेस है और इनएक्सटेंडेबल है। पेंडुलम जब अपनी मीन पोजीशन पर होता है तो इस पर दो जोर लगते हैं, एक तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा टेंशन वर्टिकली अपवर्ड। मीन पोजीशन पर ये दोनों फोर्स एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट होते हैं और एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं, जिसकी वजह से मीन पोजीशन पर कोई भी नेट फोर्स नहीं होता। जब हम पेंडुलम को मीन पोजीशन से कुछ डिस्प्लेस करके यहाँ पर ले आए तो इस जगह पर पेंडुलम पर दो जोर लग रहे हैं, एक इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड और दूसरा टेंशन जो कि अलॉन्ग द स्ट्रिंग इस डायरेक्शन में है। अगर हम वेट की रेजोल्यूशन करें तो वेट के दो कंपोनेंट बन सकते हैं, एक ये ब्लू वाला, दिस इज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, और दूसरा ये रेड वाला, दिस इज अपोजिट टू द टेंशन। अगर आप नोट करो तो ये जो एंगल थीटा यहाँ पर है एग्जैक्टली यही एंगल यहाँ पर भी है। अब वेट की जब हमने रेजोल्यूशन की तो रेजोल्यूशन करने के बाद जिस तरफ एंगल होती है वो बेस वाली साइड होती है और जिस तरफ एंगल नहीं होती वो परपेंडिकुलर वाली साइड होती है। तो क्योंकि ये एंगल वाली साइड है तो इसके साथ लग गया कॉस थीटा और ये कंपोनेंट बन गया एम जी कॉस थीटा, और क्योंकि इस तरफ एंगल नहीं है तो इसके साथ साइन थीटा लगेगा और ये कंपोनेंट बन गया एम जी साइन थीटा। अब आप फर्दर नोट करोगे कि एम जी कॉस थीटा और टेंशन ये दोनों एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं और इस डायरेक्शन में अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कोई भी नेट जोर नहीं बचता। बाकी एक जोर बचता है जिसको हम एम जी साइन थीटा बोलते हैं और इसकी डायरेक्शन टूवर्ड्स मीन पोजीशन होती है, और यही जोर है जो पेंडुलम को दोबारा मीन पोजीशन की तरफ रीस्टोर करता है। तो पेंडुलम में रीस्टोरिंग फोर्स एम जी साइन थीटा के बराबर होता है, और क्योंकि पेंडुलम पर यही एक जोर है तो हम इस जोर को नेट फोर्स भी बोलते हैं। जैसा कि आपने डायग्राम में देखा कि एम जी कॉस थीटा वेट का ये वाला कंपोनेंट टेंशन के इक्वल और अपोजिट होता है, इसलिए एम जी कॉस थीटा टेंशन के बराबर होता है। बाकी एम जी साइन थीटा जो है वो मीन पोजीशन की तरफ होता है और इसको हम नेट फोर्स बोलते हैं, तो नेट फोर्स बराबर हो जाएगा माइनस एम जी साइन थीटा। क्योंकि ये फोर्स बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ लेकर आता है तो इसी को हम रीस्टोरिंग फोर्स भी बोलते हैं। यहाँ पर ये जो माइनस है ये भी यही इंडिकेट करती है कि रीस्टोरिंग फोर्स इज टुवर्ड्स मीन पोजीशन। अगर हम यहाँ पर न्यूटन का सेकंड लॉ अप्लाई करें तो नेट फोर्स एम ए के बराबर हो जाएगा और ये इक्वेशन बन जाएगी एम ए इज इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा। एम दोनों तरफ है सो कैंसिल हो जाएगा और ये इक्वेशन रिड्यूस होकर बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। तो एक्सीलरेशन का फार्मूला बन गया ए इज इक्वल टू माइनस जी साइन थीटा। सिंपल पेंडुलम में क्योंकि एंगल इतनी ज़्यादा नहीं होती, इस वजह से छोटी एंगल के लिए हमारे पास एक स्मॉल एंगल अप्रॉक्सीमेशन होती है कि साइन थीटा, टेन थीटा और थीटा की वैल्यूज़ रेडियन में बराबर होती हैं। फॉर स्मॉलर एंगल्स द वैल्यूज़ ऑफ साइन थीटा, टेन थीटा एंड थीटा इन रेडियन आर ऑलवेज इक्वल। तो इस असूल के हिसाब से
यहाँ पर हम साइन थीटा के बदले अगर हम सिंपली थीटा इन रेडियंस वाला पुट कर दें तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी थीटा। फर्दर आपको पता है कि एस इज इक्वल टू आर थीटा होता है, जिसमें एस आर्क लेंथ, आर रेडियस ऑफ सर्कल और थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। अगर हम यहाँ से रीअरेंज करके थीटा के लिए सॉल्व करें तो थीटा बन जाएगा एस अपान आर। सिंपल पेंडुलम में आर्क लेंथ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होता है और रेडियस जो है वो पेंडुलम की लेंथ के बराबर होता है। थीटा की वैल्यू एक्स अपान एल अगर हम इस इक्वेशन में पुट कर दें तो ये बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी और थीटा के बदले हो जाएगा एक्स अपान एल। तो ये इक्वेशन बन जाएगी ए इज इक्वल टू माइनस जी एक्स अपान एल। बेटा सेम जगह पर जी की वैल्यू चेंज नहीं होती और सेम पेंडुलम के लिए लेंथ भी कांस्टेंट होती है। अगर हम इधर से कांस्टेंट निकाल लें तो ये इक्वेशन प्रोपोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगी और ये बन जाएगी ए इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। इस तरीके से हम ये भी शो कर सकते हैं कि मोशन ऑफ पेंडुलम इज़ सिंपल हार्मोनिक मोशन। हमें पता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रोजेक्शन की जो एक्सीलरेशन हमने मालूम की थी वो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर होती है और अभी हमने पेंडुलम की जो एक्सीलरेशन मालूम की है वो माइनस जी एक्स अपान एल के बराबर होती है। अगर हम इन दोनों एक्सीलरेशन को कंपेयर करें तो ये बराबर हो जाएंगी माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स बराबर माइनस एक्स जी अपान एल के। इसमें माइनस दोनों तरफ से कट जाएगी, एक्स भी कट जाएगी, तो ओमेगा स्क्वायर जी अपान एल के बराबर हो जाएगा। या ओमेगा का स्क्वायर ख़त्म करेंगे तो इस तरफ वाला फैक्टर अंडर रूट में आ जाएगा, यानी ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट जी अपान एल के बराबर। तो आप ये याद कर लें इन केस ऑफ पेंडुलम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर होती है अंडर रूट जी अपान एल के। टाइम पीरियड का जनरल फार्मूला होता है 2 पाई अपान ओमेगा। अब अगर हम ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें पेंडुलम के लिए तो टाइम पीरियड बराबर हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट जी अपान एल। अगर ये फैक्टर ऊपर चला जाए तो ये बन जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। तो ये सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड का फार्मूला बन गया। तो हमने देखा कि टाइम पीरियड जो है वो पेंडुलम की लेंथ पर और g की वैल्यू पर डिपेंड करता है। लेंथ के रूट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और g के रूट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लेंथ 4 टाइम्स ज़्यादा करने से टाइम पीरियड डबल हो जाता है, जबकि g की वैल्यू इंक्रीज करने से टाइम पीरियड की वैल्यू डिक्रीज होती है। ऐसी जगह जहाँ पर g की वैल्यू ज़ीरो हो जाए, जैसे कि सेटेलाइट है या अर्थ का सेंटर है, तो वहाँ पर g की वैल्यू ज़ीरो रखने की वजह से टाइम पीरियड इनफाइनाइट हो जाता है, मतलब के पेंडुलम रुक जाता है। फ्रीक्वेंसी क्योंकि टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल होती है इसलिए फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बन जाएगी 1/2π अंडर रूट जी अपान एल। तो हमने देखा कि टाइम पीरियड का फार्मूला 2π अंडर रूट एल अपान जी हो जाता है और फ्रीक्वेंसी का फार्मूला इसको रेसिप्रोकल करने से 1/2π अंडर रूट जी अपान एल के बराबर होता है। इस वक्त आप स्क्रीन पर सेकंड्स पेंडुलम देख रहे हैं। सेकंड्स पेंडुलम पेंडुलम का ऐसा किस्म है जिसको एक वाइब्रेशन में 2 सेकंड लगते हैं। स्क्रीन की टॉप पर आपको टाइम भी दिख रहा है। अगर आप नोट करें कि ये जो सेकंड्स पेंडुलम है ये जब राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है तो टाइम ज़ीरो हो जाता है और राइट एक्सट्रीम पोजीशन से जब लेफ्ट एक्सट्रीम पोजीशन पर जाता है और फिर वापस राइट एक्सट्रीम पोजीशन पर आता है, यानी कि एक कंप्लीट वाइब्रेशन करता है, तो टाइम 2 सेकंड हो जाता है। तो ऐसा पेंडुलम जिसको एक वाइब्रेशन में 2 सेकंड लगें उसको हम सेकंड्स पेंडुलम बोलते हैं। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है इसलिए फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल करने से 1/2 हर्ट्ज हो जाएगी। यानी कि सेकंड्स पेंडुलम ऐसा पेंडुलम है जो एक वाइब्रेशन में 2 सेकंड लेता है या 1 सेकंड में हाफ वाइब्रेशन करता है। सेकंड्स पेंडुलम का टाइम पीरियड जैसे कि 2 होता है तो टाइम पीरियड के फार्मूले में अगर हम 2 पुट कर दें
तो ये इक्वेशन बन जाएगी 2 इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी। अगर हमें सेकंड पेंडुलम की लेंथ चाहिए तो हम स्क्वायरिंग टू बोथ साइड्स करेंगे। स्क्वायर करने से फार्मूला बन जाएगा 4 इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल अपान जी। बेटा 4 दोनों तरफ है इसलिए वो एक दूसरे में कट जाएगा, तो लेंथ का फार्मूला बन जाएगा जी अपान पाई स्क्वायर। तो कभी कभी एमसीक्यूज आता है द रेशियो ऑफ जी अपान पाई स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम। अगर हम वैल्यूज रखकर सॉल्व करेंगे तो फॉर अर्थ जी की वैल्यू 9.8 होती है और पाई स्क्वायर की वैल्यू डिनोमिनेटर में डिवाइड करने से सेकंड पेंडुलम की लेंथ एट द सरफेस ऑफ अर्थ 0.994 मीटर या सेंटीमीटर में 99.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। अगर हम मून या किसी और जगह पर जाएंगे जहां पर जी की वैल्यू चेंज होती है तो उसके साथ साथ सेकंड पेंडुलम की लेंथ पर भी असर पड़ेगा। इसी के साथ आज का लेक्चर ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।